फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज कंस्ट्रक्शन शेड्यूल। कंस्ट्रक्शन शेड्यूल क्या होता है? जो कंस्ट्रक्शन शेड्यूल होता है वो एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है कंस्ट्रक्शन का, कि कंस्ट्रक्शन कितने दिन में होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा, कब एग्जीक्यूट होगा, तो ये सबका ब्लूप्रिंट होता है कंस्ट्रक्शन शेड्यूल। कंस्ट्रक्शन शेड्यूल में एक साइड आपका फेस होता है, टास्क होता है, डिस्क्रिप्शन कि प्लास्टर, ब्लॉक वर्क, कॉन्क्रीट, ऑल कॉलम्स, बीम फुटिंग्स, पेंटिंग, एसी, ये सब आपका टास्क होता है। और उसके बाद होता है प्लान, स्टार्ट, कब स्टार्ट करना है प्लान, उसके बाद प्लान कब ख़त्म करना है, उसके बाद टाइप होता है। जैसे ग्रीन कलर है तो टाइप होगा जी, ब्लू के लिए बी, तो ऐसे टाइप होता है जिससे हमको चेक करने में प्रॉब्लम नहीं होता है। और उसके बाद जो मंथ होता है या जो डेट होती है उसके हिसाब से हम लोग ये शेड्यूल को बना लेते हैं। तो इससे हमको एक टारगेट मिल जाता है कि कौन सा काम को कब चालू करना है, कब ख़त्म करना है, और उसके बाद कौन सा काम चालू होगा, साथ साथ में कौन सा काम चालू होगा। हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन से मंथ में हम लोग कौन सा काम कर रहे होंगे, तो ये सब हम लोग वर्क शेड्यूल में चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरी कंपनी का वर्क शेड्यूल है। इसका फॉर्मेट सब कंपनी का अलग अलग होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है, बस जैसा जिसको समझ में आएगा वैसा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये टास्क डिस्क्रिप्शन है, इसके बाद प्लान स्टार्ट, प्लान एंड, टाइप में कलर का और मंथ। जैसे मेरे जो विला बन रहा है उसका 7 मंथ का टारगेट है। तो जो टास्क डिस्क्रिप्शन होता है इसमें सब कुछ होता है, जैसे कार पोर्च, कार पार्किंग है, उसकी स्लैब, HVAC वर्क, इसका कब स्टार्ट करना है, कब ख़त्म करना है, प्लम्बिंग, फिनिशिंग, लॉक वर्क, रूफ, वाटर प्रूफिंग, तो जितने भी टास्क होते हैं A to Z वो सब इसमें मेंशन होगा, उसका स्टार्ट डेट, फिनिश डेट, टाइप। तो यहाँ से जो हम लोगों को पढ़ना और रीड करना इजी हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार का टाइम शेड्यूल, वर्क शेड्यूल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका यूजेस क्या होता है, क्यों हम करते हैं, क्या इसका एडवांटेज होता है। तो इसके जनरली 3 मेन यूजेज होते हैं। पहला होता है कि जो ये कंस्ट्रक्शन शेड्यूल होता है ये एक इंफॉर्मेशन देता है वर्क का, क्वांटिटी का, लेबर का, मशीनरी का, इक्विपमेंट का, कि हमको कितने टाइम के लिए कितना चाहिए, कौन से दिन कितना कौन सा वर्क चल रहा है, उस हिसाब से हमको कौन से मशीन की ज़रूरत है। एक ब्लूप्रिंट पहले तैयार हो जाता है। नेक्स्ट जो होता है कि जो वर्क के प्रोग्रेस होता है, एग्जीक्यूट होता है, उसको चेक करना इजी होता है, और जो ड्यूटी होती है उसको हम लोग एडजस्ट इजीली कर सकते हैं। जो थर्ड होता है, जो प्रोजेक्ट जो होता है वो सिस्टमेटिकली और इफेक्टिवली कंप्लीट होता है इस शेड्यूल के द्वारा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, ताकि आने वाली और वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।